गाइस काम ज़्यादा है आज, एक और गाड़ी खींच के आ रही है बुलेरो, तो उस पर चेक करेंगे। और तो अपने पास हैरियर भी आई हुई है, हैरियर पे भी काम चालू है, उसका सर्फ का काम है और ये बुलेरो खींच के आ रही है। तो चलिए लगाते हैं वर्कशॉप में और चेक करते हैं। तो फाइनली गाड़ी लग चुकी है, अब इस पर स्कैनिंग किया है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको दिखा रहे हैं। आज वैसे भी गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा है, लाइन लगी है। तो चलिए जिसमें जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल शाम हो गई थी इसलिए गाड़ी को हाथ में नहीं ली थी, उसको छोड़ दी थी। अब इस पर आ चुके हैं क्योंकि जितने भी जो रूटिंग काम था वो हो चुका है। इग्निशन ऑन किया है मैंने, तो देख सकते हैं तो दोनों चेक लाइट है वो खड़ी है और मैंने उसको स्कैन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो इसके अंदर फ्यूल प्रेशर मैक्सिमम लिमिट की आ रही है, फिर सब जितने भी हैं वो सभी डीजल लाइन की लग रही है एरर है। ये फ्यूल टेम्परेचर की है, ये सब करंट में है, ये कोई भी एक वो हो नहीं रही। ये अपने एक्सेलरेटर पैदल की है 21-28, तो जितने भी एरर है ये क्लियर नहीं हो रही। देखा आपको दिखा देना एक बार, क्लियर DTC फॉल्ट कोड इज, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अपनी एरर है वो क्लियर नहीं हो रही। तो इसका कहीं ना कहीं वायरिंग शॉर्ट होना चाहिए, डीजल की है वो सब इसके हिसाब से आ रही है। तो चलिए इसका बिना देरी के वायरिंग को ढूंढते फिर आपको दिखाते कहाँ से प्रॉब्लम मिला हमको। तो ये देख सकते हैं गाड़ी न्यूटन है, मैं सेल मार के आपको दिखा रहा हूँ। इंजन घूम रहा है पर स्टार्ट नहीं हो रही, वाइब्रेशन आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और चाबी बंद करके चालू करते तो फ्यूल पंप से प्रेशर आ रहा है, सेल मारते हैं तो प्रेशर नहीं आ रहा। तो चलिए इसका फॉल्ट ढूंढते फिर आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाइस रेल प्रेशर और जो मैटरिंग यूनिट का वायरिंग चेक किया तो इसी हम तक उसकी वायरिंग भी सही आ रही है, और रेल प्रेशर सेंसर भी हमने चेंज किया है वो सेंसर भी ओके आ रहा है। तो सभी रिस से अपना जो गाड़ी है वो ओके दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ईसीयू का है, तो ईसीयू भी चेक करवाया तो ईसीयू वाला बोल रहा है ईसीयू ओके है। तो फिर इसके अंदर चेक किया था, बोल रहा है आपकी जो फाइल है वो करप्ट हो गई है। तो अभी इसका जो डाटा है वो फ्लैश करेंगे और नया डाटा डाल के देखेंगे क्या ये जो एरर है वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए अभी जो ECM है इसको वायरिंग को वापस से पैक करके अंदर लगा देंगे। ये इसका ECM का कपलर है, इसकी पूरी वायरिंग हमने चेक कर लिया मल्टीमीटर के थ्रू, सब कुछ सही आ रही है। चलिए सबको फिट करते हैं और जो ECM है उसका फ्लश फाइल डाल के इसको आगे चेक करते हैं। तो गाइज हमने वायरिंग चीरा सब चेक किया और कहीं पर प्रॉब्लम नहीं मिला, तो फिर हमने इसको ट्रेसिंग किया तो जो किलन टेम्परेचर है उसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहे, फ्यूल मीटरिंग है यहाँ पे भी 2 पॉइंट जो आने चाहिए नहीं आ रहे, और रेल प्रेशर पे भी जो अपने 5 वोल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और एक्सीलेटर पैदल पे भी देखा तो वहाँ पे भी 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने सोचा भाई ECM का प्रॉब्लम होगा, तो हमने ECM को खोला यहाँ से वहाँ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो ECM को हमने ओपन कर लिया, फिर देखा तो यहाँ पर हमने देखा ना तो किसी ने ECM को खोलने की कोशिश की हुई है। तो इसका खोल ले, तो फिर इसका डाटा है वो चेंज करेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं ECM में प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम, बट ECM में प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ अलग ही प्रॉब्लम होता है। तो हमने सबकी बात मानी और घुमराह हो चुके थे काम करने के अंदर, तो फिर हमने एक दूसरा ECM मंगवा लिया, उसके अंदर इसका फाइल चढ़ा के देखते हैं। चलिए तो भाई को अपने दुकान पर बुला लिया है और इसका जो भी डाटा है वो इसमें से निकाल के उसमें डाल रहा है। तो काफ़ी लोग अपने अपनी राय देते हैं, पर जिसको प्रॉब्लम मिलता है वही प्रैक्टिकल जो काम करता है उनको ही पता रहता है क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ये ECM का डाटा इसमें चढ़ा रहे हैं हम, जो अपने ये पुराने वाले ECM में से निकाला है ये वाला, इसका डाटा अब उसमें डाल रहे हैं और डाल के गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं वो चेक करेंगे। पहले हमने इसमें फ्लश फाइल डाल के देखी है पर नहीं हुआ काम, तो अब इसमें डाटा इससे खींच के फ्लश मार के फिर से इसमें चढ़ा रहे हैं। तो अभी वैसे भी सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है, बार बार क्या है गाड़ी में फाइल चेंज करके देखना पड़ता है, इसलिए क्या है बार बार जाना आना खर्चा भी हो जाता है, तो इसलिए हमने यहीं पर बुला लिया। तो चलिए अभी हो गया तो लगा के चेक करते हैं। तो हमने इस वाले ECM में से डाटा इस वाले में ट्रांसफ़र किया है, ये ECM रिपेयरिंग वाले को भेजा था, वो बोल
रहा है, सेम ओके है। आपका दूसरा वायरिंग का मसला है, वायरिंग पूरा चेक कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए भी कबाड़ी में से दूसरा ईसीएम लाए हैं जो लेलन दोस्त का है, उसके अंदर डाटा ट्रांसफोर्ट करा है और अभी लगा के चेक करते क्या प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं इसको इसके अंदर लगाते हैं। ईसीएम लग चुका है, सेल मारेंगे तो देख सकते हो ये जो गाड़ी है वो अपनी चालू हो चुकी है। इसमें स्कैनिंग करके देखेंगे क्या कोड बन रहा है। तो ये जो अपना है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें डाटा भी चेंज करके दिखा है, सब कुछ किया है, बट ईसीएम में ही प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर में ही प्रॉब्लम है, ये फाइनल हो गया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस क्लियर करते हैं। स्कैनर लगा दिया, इग्निशन ऑन है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से व्हीकल में जाएंगे, पैसेंजर में जाएंगे, यहाँ पे अपने बोलेरो पावर प्लस है उसमें जाएंगे, ईएलएक्स में जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, डेटा कोड कोड देखेंगे। तो आप देख सकते हो प्रेशर कैन इसके जितने भी कोड थे वो भी हिस्ट्री में जा चुके हैं। देखिए जितने भी है सभी हिस्ट्री में जा चुके हैं। चलिए सबको क्लियर करते हैं और अपनी जो चेकलाइट है वो हटाते हैं। यहाँ पे सब एरर जा चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे नो ट्रबल कोड आ रहा है लिख के। तो चलिए अभी जो गाड़ी है उसको इग्निशन बंद करके वापस से ऑन करेंगे और सेल लगाएंगे। अब देख सकते हैं मेरे जो क्लस्टर मीटर में चेकलाइट भी नहीं है, सब कुछ हो गई है कंप्लीट, गाड़ी सक्सेसफुली हो गई, इसका एक ट्रायल लगाएंगे अब। तो गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, किसी के बंदे के ये फॉल्ट आया उसे राय लीजिए, क्योंकि राय लेने में हम कोई छोटे नहीं हो जाने वाले, और इसके अंदर जो खर्चा है जो सामान लगता है वो महंगा आता है उसके हिसाब से हो जाता है, और कस्टमर भी फिर पैसा नहीं देता, वो बोलता है गाड़ी स्टार्ट करो तो ही पैसा देता हूँ, एडवांस पेमेंट नहीं देता। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, आप सबको सोच समझ के काम कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका प्यारा सा कमेंट।